एक सप्ताह का मौका देते हैं इस पानी को निकालने, नहीं अगले सप्ताह यहाँ इसी स्थान पर आकर के मेयर का, सांसद का, विधायक का और जो संबंधित यहाँ का पार्षद है उसका बड़ा बड़ा आदम का चित्र इस पानी के दोनों तरफ लगाएंगे कि हमने इसमें मछली पाल रखी है और यहाँ से आने की मनाही है। नहीं, ये तो हमें तो नगर निगम की तरफ से कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया। एक महीने से ये हाल है, सारे प्रशासन को बार बार लोगों ने बता दिया है, यहाँ से डिप्टी मेयर अपना रविंद्र फूले उसके पास भी लोग जा चुके हैं लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं किया। आज पानी पर शहर ठगा महसूस करे अपने आप को, इन भाजपाड़ा को वोट देकर ना ये हालत ही निकल रखे है। जो विकास कार्य का नाम देते हैं लेकिन विकास कार्य कोई नहीं आज तक। परेशान कितने हैं, डेली जो उठते हैं ना, ये तो डेली अडर है सुरेश, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका डर की बात हम परेशान हो, मेरे पर कितने रोज गेटा मारना है, देखियो कोई दिक्कत है, कोई सुवार इस काम में साधन कुछ इस काम में क्या दिक्कत हो रही है, कुछ भी कोनी वादे तो वादे तो कर अपने भाई जे वोट मांग रहा जोड़ा पाम पड़े ले जयराम जी की। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और कल ही पानीपत के कुटानी रोड की वार्ड 6 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से सड़क पर गंदा पानी जमा होने से स्थानीय जो लोग हैं वो किस प्रकार से परेशान हैं। और तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, देखिए लोगों के लिए नर्क बना हुआ है। और यहाँ के आसपास के जो लोगों से कल बातचीत की थी तो उनका कहना था कि बीमारियां तो फैल रही है, साथ के साथ यहां से निकलना भी उनके लिए दुभर बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है और आए दिन यहां पर लोग चोटिल भी होते हैं, हादसे भी होते हैं। और इसी को लेकर कल सर्वजातीय जनपंचायत मोर्चा की ओर से यहां पर प्रदर्शन भी किया गया था और एक सप्ताह का अल्टीमेटम प्रशासन को और स्थानीय नेताओं को दिया गया था। सबसे पहले जो यहां से गुजरने वाले हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, इसी पानी से होकर गुजरते हो जी, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है जी, सारी गंदगी यहीं इकट्ठी हो रही है, सारी और पूरे आधे को पूरे कॉलोनी की गंदगी यहां को निकलना पड़ता है, रोज यही हाल है। तो आप लोग नहीं सोचते आपको भी अच्छा रास्ता मिले, अच्छी तो देने वाला भी तो चाहिए ना। हम तो सोचते हैं कि अच्छी होना चाहिए, पर यहाँ प्रशासन को सोचना चाहिए ना इस बात का। तो जो मान लिया अच्छी ये पानी सफाई हो, यहाँ से गंदे में ना गुजरना पड़े, तो इस सोचना चाहिए। वादे तो यही किए गए होंगे, वादे तो पता नहीं क्या क्या करे हैं सरकार ने कि अच्छी सड़कें देंगे, गंदा पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ अच्छा पानी मिलेगा। ये देख लो ये क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। लगता है ये स्मार्ट सिटी के, ये तो गाँव से भी बदतर बुरा हाल हो रहा है। ये जीवन कोई अच्छा थोड़ा, ये गांव में भी इससे अच्छा होता है जैसा ये हाल यहाँ पे है। तो क्या कहोगे नेताओं को जो वायदे करके गए थे आप लोगों के साथ? क्या बताए जी, नेता तो वोट लेकर भाग जाते हैं, परेशान मरे जैसे होते हैं, और क्या बोले इनको, इन्हें तो खुद अपने आप से रमानी चाहिए कि ये हालात क्या है। वोट लेकर चले जाते हैं फिर देखते ही नहीं, नजर ही नहीं आता कोई दिखता कोई नेता, नेता तो एक भी नहीं नजर नहीं आता, अपनी कोठियों में पड़े हैं अपना आराम से। ऐसी गर्मी में हमारे जैसे को परेशान होना पड़ता है। तो परेशान आम जनता को ही होना पड़ता है, चाहे वोट की राजनीति की बात करें। तस्वीरें एक बार आपके सामने हैं, कल ही ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि जहां सर्वजातीय जनपंचायत मोर्चा की ओर से स्थानीय नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया था एक सप्ताह का, क्योंकि प्रदर्शन यहां पर हुआ तो स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है वो भी आपने देखा। अब पूर्व मेयर हैं, उनके कार्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, उनसे भी जानेंगे, वो भी हमारे साथ हैं कि उनके कार्यालय के सामने की यदि तस्वीरें इस प्रकार की बनी हुई हैं तो उनके वार्ड की कैसी तस्वीर, वो भी जानेंगे। पूर्व मेयर हैं, उनके उनसे बातचीत करेंगे। वर्मा जी, ये बताइए आपके कार्यालय के सामने किस प्रकार के हालात हैं, आप भी निकलते होंगे इसी से? नहीं, मैं कह तो सारी दुनिया गांव कुटानी के लोग जाते हैं, सारी कॉलोनी के लोग जाते हैं यहाँ करते हैं। एक महीने से ये हाल है, सारे प्रशासन को बार बार लोगों ने बता दिया है, यहाँ से डिप्टी मेयर अपना रविंद्र फूले उसके पास भी लोग जा चुके हैं लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं किया। परसों भी मैंने, कल भी कमिश्नर साहब को फ़ोन भी किया था, सीएसआई को फ़ोन किया था, सारे प्रशासन को बार बार बता रहे, अभी देखो आना जाना बंद हो गया, स्कूल में बच्चे जाते छोटे छोटे यहाँ पढ़ते हैं, इससे बुरा हाल इस शहर का क्या होगा। आज पानी पर शहर ठगा महसूस करे अपने आप को, इन भाजपाड़ा को वोट देकर ना ये हालत ही निकल रखे है। जो विकास कार्य का नाम देते हैं लेकिन विकास कार्य कोई नहीं है आज तक। वर्मा जी, वो समय याद है बरसात के समय में हमने भी कवरेज की थी और आपने भी वो तस्वीरें उसमें देखी थी? मैं साथ ही था, आप भी साथ में थे मेरे, तो वो हाल देखो ना आज का देखो, अब तो बारिश नहीं है, जब बारिश होगी जब देखो ना क्या हाल है। आज देखो आप सारे शहर के अंदर जाओ, कोई रोड देख लो सारे टूटे पड़े हैं, कोई बन रहा तो रोड बताओ,
जो अभी बना हुआ है 6-6 महीने बाद उसको पाड़ देते हैं। फतेहपुरी चौक मन तो वीडियो देखी थी, पत्रकार आई कोई 6 महीने उसको बने ना, वो दोबारा पाड़ गए। ये हाल इस शहर के है। तो अब कल प्रदर्शन यहाँ पर सर्वजातीय जनपंचायत की ओर से किया गया था, आज उसका असर देखने को मिल रहा है। जो नाला गैंग है वो आगे सक्रिय है वो नहीं, आज कुछ अधिकारी आए हैं, मेरे को सवेरे मिले भी थे। मैं अपना जितेंद्र चीफ है आया था, भाई देखो आप जहाँ जहाँ करवाने सफाई करवा, लेकिन टीम लग रही है, वह हर नाले को लगातार सफाई करेंगे, जब सफाई होगी इसकी ऐसे नहीं होगी। ये 2 साल से बंद पड़ा है, एक दिन में कैसे सफाई हो जाएगी? 2 साल तक कोई आज कर्मचारी सफाई करने यहाँ तक आया नहीं, सारी जनता बैठी है, पूछ को देख लो आपको आता हो यहाँ। इस तरह की समस्या होती थी, पूर्व मेयर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उन्हीं की बेटी जो है मेयर है, क्या कहना चाहोगे? मेयर तो उन्हें 100 दिन के वादे करे थे, 100 दिन में मैं अपने पानीपत शहर के हर गली में 100 की स्पीड में गाड़ी चलेगी, नाले जो सफाई होंगे, ड्रेन चलाओगे, पता नहीं क्यों कितने वादे करे, वादा एक बताओ मेरे को, एक वादा पूरे शहर के अंदर एक पूरा करे तो बताओ। आज ये पानी पर शहर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा, 1.5 साल बाकी रह गए, ये जनता अपने आप जवाब दोगी, ये मैं सफाई दूँ या कोई सफाई देगा जनता नहीं बनाता। कहा साल हो गए कितने परेशानी, जिनकी डेली कैब डाउन है, परेशान कितने डेली जो देने, ये तो डेली सुरेश तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका डर की बात परेशान हो मेरे पर कितने रोज गेटा मार ला देखियो, कोई दिक्कत है कोई सुवार इस गाँव में नहीं, साधन कुछ इस गाँव में नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? गाँव वाले में साधन भी कौन नहीं, रात था तो यू भी कौन नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे लोग? उन नेताओं ने जिन्होंने आपसे वायदे किए थे वो दिखते हैं कुछ भी कौन वादे तो कर रहा है, अपने भाई जब वोट मांग रहा जोड़ा पाम पड़ा ले जयराम जी की, सुरेश रहे इतने ही मेरे रहे, इन्हें भी तो कुछ काम करे होंगे, तू लगा मैं लाइट पुछवा दिन है, यू भी तो छोड़ा होगा किसी का। तो महिला है काफी नाराज जरूर नजर आ रही है, देखिए और लोग भी उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हो? कैसे रह रहे हो इस प्रकार, कैसे गंदगी में रह रहे हैं? शायद पशु भी इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते, गंदगी भी नहीं रह सकता। आप कैसे रह रहे हो? मजबूरी है। क्या मजबूरी है और कहाँ है, भाग है, मकान छोड़ के भाग है, दुकानें छोड़ के भाग है, दुकानदारा का भी काम खत्म है। कल यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज जो नाला गैंग है वो सफाई करने पहुंची है, क्या लगता है अब प्रदर्शन करने पे ही काम होंगे? हाँ ऐसे होगा, वैसे तो सुनाई नहीं वैसे, नाला सारा रुका पड़ा है, सफाई नहीं होती। कल प्रदर्शन किया गया था, अल्टीमेट दिया गया था 1 सप्ताह का नेताओं को और प्रशासन को, आज जो नाला गैंग है वो पहुंचा है, साफ सफाई आगे हमने देखा जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वहां पर साफ सफाई की जा रही थी, नाला साफ किया जा रहा था, लगता है कि आम जनता की जो आवाज़ है प्रदर्शन करने से ही जो है नेता जागेंगे? भाई सब कुछ नहीं बेरा, जिनका जागेंगे नहीं जागेंगे, बाकी आ तो रहे हैं टीम, देखो के करके जाएंगे के नहीं है। समस्या कितनी है? समस्या भाई सब बहुत ज़्यादा है, अब मैं गाँव में से आया था, महिलाओं को मैं उधर से बिठा के यहाँ तक मैंने छोड़ दिया गाड़ी में, बहुत ज्यादा समस्या है, कोई सुनवाई नहीं। लगता है किसी नेता का यदि यहाँ पर मकान होता आसपास तो लगता है फिर भी हालात ऐसे होते? भाई सब फिर होने नहीं चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, शर्मनाक बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है ये, डिप्टी मेयर का घर यहाँ से 100 मीटर दूर है, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। कोई नेता आता है तो रातों रात सड़कें बना दी जाती है, मेयर साहब क्या लगता है किसी नेता को आना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं मैं तो नेता नहीं, मेरे नेता बताएंगे ना, मैं नेता थोड़ा हूँ, मैं एक वर्कर एक मजदूर आदमी, मेरा क्या था नेता, तो उधर बैठे डिप्टी मेयर बैठे, मेयर बैठी है, विधायक बैठे, वो बताएंगे ना, हम तो इन लोगों में रहने वाला, मैं तो जैसे ही ऐसे मैं। एक और व्यक्ति उनसे बातचीत करेंगे, इसी पानी से होकर निकले हैं बुजुर्ग भाई, परेशान तो है ही, बहुत परेशान हो रहे हाँ, गांव वाले ने भी भाई के रुकी है कभी पानी के अंदर, रुक जाती है? हाँ रुक जाती है भाई। तो आने जाने वालों को काफी परेशानी है, पूर्व मेयर है सुरेश वर्मा उनसे भी बातचीत हुई और काफी नाराज यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले हैं वो परेशान हैं। लेकिन बता दें कि कल ही सर्वजातीय जनपंचायत मोर्चा की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब प्रशासन जो है वो कुमकर्णी नींद से जागा है, आज जो नाला गैंग है वो यहाँ पर पहुंचा है और जैसा कि पूर्व मेयर ने बताया कि जो नगर निगम के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, आगे से जैसे ही हम गुजरे तो वहाँ पर जो नाला गैंग है वो साफ सफाई करता नजर आ रहा, वो तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। तो कुटानी रोड की ये तस्वीरें जहां वार्ड 6 की कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कहां जहां पर सड़क पर पानी जमा होने के कारण स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी जरूर नजर आई थी और उस खबर को लेकर एक बड़ा असर उस खबर का हुआ है जहां नाला गैंग जो है वो पहुंची है, अब साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। दोनों ओर की ये तस्वीरें हम आपको
दिखा रहे हैं। देखिए कुटानी रोड पर वार्ड 6 की ये तस्वीरें, जहां जो डिप्टी मेयर है नगर निगम के, उनके वार्ड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अब खबर का असर हुआ है, जहां सर्वजातीय जनपंचायत मोर्चा की ओर से कल प्रदर्शन किया गया था, और अब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जागा है, और जो नाला गैंग है वो मौके पर पहुंचा है। खबर का बड़ा असर कह सकते हैं कि कल प्रदर्शन करने के बाद अब नगर निगम जो है वो नींद, कुंकर्णी नींद से जागा है, और नालों की जो साफ सफाई है वो शुरू कर दी गई है। नाले खोले जा रहे हैं ताकि जो पानी है वो निकल सके। देखिए दोनों ओर की तस्वीरें देखिए, करीब एक दर्जन से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं। लगातार दोनों ओर से नालों को खोला जा रहा है ताकि जो पानी है वो यहाँ से निकल सके। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, एक बारी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कुछ कहना है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम बोबी है जी। बोबी, बोबी जी आज पहुंचे हो, कल प्रदर्शन वहां पर किया गया था, आज कहां से कहां तक खोलोगे आप? हम वहीं से ले आए नाले तक, जहां पुलिया है ना वहीं तक खोल लेंगे, पहले इसको क्लियर करेंगे। आज अधिकारियों ने भेजा आज? हाँ। क्या बोले? नहीं वो बोले भाई नाला साफ करना है। हाँ। अब कहां से कहां तक करोगे आप? हमें सुरेश वर्मा के वहां से लगे थे, और जो नाले की पॉइंट है नाले की पॉइंट तक इसको क्लियर करेंगे। क्या स्थिति है नालों की? बस लोगों ने कवर कर रखा सबसे ज्यादा था, ये दिक्कत है। सबसे ज्यादा दिक्कत है, कहीं जगह ही नहीं छोड़ रखी नाला साफ करने की। कहीं से स्लेब है का वो हटाते हैं, किसी ने स्लेब नाले पे बिल्कुल उठा रखी है, तोड़ने में दिक्कत आती है। किसकी ओर से भेजा गया है? कोई अधिकारी है, कोई मेयर है, किसने, किसकी ओर से भेजा? नहीं ये तो हमें तो नगर निगम की तरफ से कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया। कमिश्नर साहब ने आज दिया? हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ तक करोगे आज? ये नाले तक करेंगे। तो कमिश्नर साहब की ओर से इन लोगों को भेजा गया है। खबर का बड़ा असर कह सकते हैं कि जैसे ही कल प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन करने के तुरंत बाद आज इन कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है। नगर निगम जो कमिश्नर है उनकी ओर से इन्हें भेज दिया गया है। नालों की सफाई जो है वो दोनों ओर से की जा रही है। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। कल ही देखा था कि काफ़ी आरोप जो स्थानीय नेता हैं और अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाए गए थे, अनदेखी के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे स्थानीय लोगों की ओर से, और आज उस खबर का बड़ा असर हुआ कि जहां नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं, नाला गैंग पहुँचा है, साफ सफाई आज कर दी जा रही है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।